सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में तेज अंधड़ और बारिश से हुए नुकसान के आंकलन के लिए मुख्य सचिव को सभी जिलों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को समय पर मुआवजा दिया जा सके। और साथ ही सीएम तो सरकारों को छूट देनी चाहिए जिससे सरकार जनता के लिए कुछ कर पाए। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम का रवैया समझ में नहीं आता। अब पीएम ने गुजरात में हवाई सर्वेक्षण किया तो गुजरात से सटी राजस्थान की सीमाओं में भी करना चाहिए था। गहलोत ने पीएम और अमित शाह पर जातियों को साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में हार की घबराहट के चलते रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया। देश के लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब आडवाणी को सम्मान मिलेगा लेकिन मोदी और अमित शाह ने उनको वंचित कर दिया। वहीं सीएम गहलोत ने जोधपुर से भाजपा प्रत्याशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शेखावत हार को देखकर घबराए हुए हैं और कहा कि इस बार हवा मोदी के एंटी चल रही है। प्रधानमंत्री जी का रवैया मेरी तो समझ में आया नहीं। 5 साल में अगर बाढ़ बहुत भयंकर आई थी गुजरात के अंदर, राजस्थान के जालौर जिले के अंदर भी, शिरोही के पहाड़ के अंदर भी, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमता है, उड़ता है, गुजरात की सीमा तक जाता है। ये पहला मैंने देखा है कि इसमें आप भेदभाव करो। अगर 3 मिनट लगते हैं उनको अंदर घुसने में राजस्थान की सीमा में, अगर वो जब हवाई संरक्षण किया तो गुजरात के साथ में अगर वो जालौर सिरोही तक भी कर लेते तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता सरकार का, राजस्थान सरकार का, जो उन्हीं की सरकार थी कि प्रधानमंत्री जी ने हवाई संरक्षण राजस्थान में भी किया है। वहाँ पर भी उनका दिल नहीं पसीजा और वो अंदर नहीं आए, जबकि राहुल गांधी जी ने द्वारा बनाया तो वो राजस्थान में भी।